समा जाते राते, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझे से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके आए हम आजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बालों को पीछे करना है ताकि हमारे जो हेयर्स हैं मेकअप करते टाइम हमारे फेस पे ना आए। उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए स्विस ब्यूटी का 24 के कैरेट सीरम लूँगी। काफ़ी अच्छा सीरम है ये, अच्छे से अप्लाई करेंगे एकदम स्मूथ हमारा बेस बनेगा इससे। उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। इसको अच्छे से अपने पोर्स, जहाँ भी आपके ओपन पोर्स वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा अपने ऑल ओवर फेस पे। उसके बाद मैं आईब्रोज कर लूँगी अपनी। वेट एंड वाइल्ड का मैंने आईब्रो पाउडर लिया है। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ शुगर का फाउंडेशन इन द शेड चोकोचिनो, उसका ऑल ओवर अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और उसको एक स्विस ब्यूटी के ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। अपने ईयर्स पे भी आप फाउंडेशन लगाएं ताकि आपके फेस से आपके ईयर्स अलग ना लगे, और अपनी नेक पे भी हमेशा अप्लाई करिएगा। उसके बाद मैं कंसीलर लूँगी ये फिटमी का इन द शेड हनी, और मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी क्योंकि ये फाउंडेशन काफ़ी फुल कवरेज है। इसको ब्लेंड कर लेंगे एक स्पंज की हेल्प से। उसके बाद मैंने शुगर का ट्रांसल्यूशन पाउडर लिया, इसे मैं बेक करूँगी थोड़ा सा। अगर आप ड्राई स्किन पीपल हैं तो मेरी तरह थोड़ी देर बेकिंग करने के बाद इसको रिमूव कर दीजिएगा एक ब्रश की हेल्प से। अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो ज़्यादा देर तक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे अपने आई मेकअप पे। मैंने एल्फ का आई शेडो लिया है, इसमें से हल्का ब्राउन कलर जो है ये लाइट वाला, इससे अपना ट्रांजिशन बेस बना के मैं अप्लाई करूँगी ऑल ओवर आई लिड पे। उसके बाद एक डार्क, उसमें से डार्क आई शेडो है ब्लैक, सॉरी ब्राउन, उसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज से नीचे नीचे। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडो लिया है गोल्डन शैम्पू शेड में, इसको अप्लाई करूँगी मैं अपनी हाफ आई लिड पे। अप्लाई करने के बाद जो एजेस दिख रहे हैं उनको ब्लेंड कर लूँगी वही लाइट ब्राउन कलर से ताकि स्मूथ लगे आई मेकअप। उसके बाद दोनों ब्राउन कलर को मिक्स करके अपनी लोअर आई लैश के नीचे अप्लाई करूँगी एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। अपनी दूसरी आई पे भी ऐसे कर लूँगी मैं। उसके बाद मैंने शुगर का काजल लिया है, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं इसको। उसके बाद काजल को मैं ब्राउन शेड लेके स्मच कर दूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी मेबेलिन का, ये नया आया है अभी, बहुत अच्छा है। मस्कारा अप्लाई करने से पहले अपनी आई लैशेस को हमेशा कर्ल कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी आपकी लैशेस को दे देगा। मैं इसका एक ही कोट अप्लाई करूँगी, उसमें भी काफ़ी अच्छी मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी। अच्छे से अप्लाई करें, देखिए अंतर दे सकते हैं आप दोनों आईज में। उसके बाद मैं कॉन्ट्रोल करूँगी शुगर का, मैंने कॉन्ट्रोल स्टिक लिया है इन द शेड 01। इसको ब्लेंड करूँगी मैं उसी ब्यूटी स्पंज से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। काफ़ी अच्छा ही कॉन्ट्रोल स्टिक है, अपने नोज़ को भी कॉन्ट्रोल कर लूँगी मैं ऐसे। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूँगी ये लैक्मी 925 का, कोरल शेड में है ये, थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी नायका की, रेड शेड है ये। आप अपने लिप्स को लाइन कर सकते हैं किसी भी ब्रांड के लिप लाइनर से। उसके बाद मैं हाईलाइटर अप्लाई करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का, बहुत अच्छा हाईलाइटर है ये। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट करके, और यार लाइक कर दिया करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बाय बाय। हम आ जाते राते, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझे से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके आए हम आ जाते राते, ये दिल की पतंग को काटे आए तुझे से कटके, ये गिरे तेरी छत पे आके आए मेरी।